अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 8:39 तक ही रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को विधि विधान पूर्वक दशावतार व्रत करना फलदायी बताया गया है। कहा जाता है जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में फंस जाता है, तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यः। परित्राणाय च साधूना विनाशाय च दुष्कताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ बता दूं कि जब आप ब्रेक करते हैं तो कई बार लोग गलती से लिख देते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अभ्युत्थानम अधर्मस्य नहीं है, अभ्युत्थानम धर्मस्य। अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्मस्य नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस देश में धर्म की ग्लानी होती है, अभ्युत्थान उस धर्म को उठाने के लिए, अभ्युत्थानम अधर्मस्य धर्म के अभ्युत्थान के लिए मैं अपनी रचना करता हूँ, तब सज्जनों के परित्राण यानी सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। श्री हरि के, ये श्री हरि कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री हरि के 10 अवतारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल की अवतार जो भविष्य में होगा। पहले 3 अवतार मत्स्य, कूर्म और वाराह सतयुग में अवतरित हुए। नृसिंह, वामन, परशुराम और राम त्रेता में अवतरित हुए। कृष्ण और बुद्ध द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कलयुग है और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग के अंत में कल के अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा और न्याय का शासन होगा। इससे सतयुग की ओर फिर से स्थापना होगी और आज पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से विष्णु जी का पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज दशावतार व्रत की चर्चा। अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:37 तक रवियोग और कुमार योग रहेगा, अतः ये योग बड़ा ही शुभ है। रवियोग अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से सब अच्छा रखने में मदद करता है, तो वहीं कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने और विद्या प्राप्ति में सहायक है। साथ ही आज शाम 4:04 तक प्रीति योग भी रहेगा। ये योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आज दोपहर 12:37 तक मूल नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है जड़ यानी आधार। पेड़ पौधों में साल के पेड़ से मूल नक्षत्र का संबंध बताया गया है। साल का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। आज साल के पेड़ के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो ये थी आज रवियोग, कुमार योग, प्रीति योग और मूल नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाली भद्र। आज रात 8:19 से शुरू होकर कल सुबह 8:18 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 राशियों के अनुसार तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में मूवमेंट करती रहती है, घूमती रहती है। आप जानते हैं जिस दिन चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है उस दिन पाताल लोक की भद्रा होती है। आज चंद्रमा धनु राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा है और पाताल लोक की भद्रा के दौरान भद्रा का कोई भी प्रभाव पृथ्वी लोक पर पड़ने वाले लोगों पर नहीं पड़ता और इस समय शुभ काम किए जा सकते हैं। पाताल लोक की भद्रा धन लाभ कराती है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पढ़ने वाले भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं आज भाद्रपद
शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आप अपने जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए दशावतार व्रत करके और कौन कौन से उपाय करने चाहिए, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आप सुबह स्नान करके धन कारक 11 कौड़ियों की पूजा करें और उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े से लपेटकर अपनी तिजोरी में या जिस जगह आप धन रखते हैं वहां पर संभाल कर रख दीजिए। संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या ऑनलाइन सुन लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें, फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछिए, उसके सामने घी का दिया जलाइए। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम चावल और पुष्प अर्पित करें, फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें, साथ ही आज वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करें। अगर दर्शन नहीं कर सकते तो आप स्मरण कर लीजिए, कोई चित्र देख लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको तुलसी की मंजरी से शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, साथ ही श्री हरि के सर्वशक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। आपको अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप नौकरी में प्रमोशन को लेकर परेशान हैं तो आज विष्णु भगवान को पीले रंग के कपड़े भेंट करने चाहिए, साथ ही विष्णु स्तोत्र जरूर सुनना चाहिए, जल्दी ही आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है तो उसे पूरा करने के लिए आज एक पीपल का पत्ता लेकर उसे अच्छी तरह साफ कर उस पर रोली से अपनी इच्छा लिखें और श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करें और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करें। अब मंदिर तो नहीं जा सकते आप देख लीजिए अपना इंटरनेट पे। आज ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दूध दही घी शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए, साथ ही दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु की पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए, उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। यहाँ ध्यान रहे श्री विष्णु की पूजा में अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही विष्णु पूजा में सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकौवा यानी मदार, ये आंख श्वेतार्क जो होता आंख, और अमलतास के पुष्प का भी उपयोग विष्णु पूजा में वर्जित माना गया है। देखो अकौवा का इस्तेमाल गणेश जी की पूजा में, अमलतास का इस्तेमाल भैरवनाथ की पूजा में, इस तरह अलग अलग पुष्पों का अलग अलग विधान है। इनको आप ध्यान रखिए, अमलतास के पुष्प श्री विष्णु को नहीं चढ़ाने चाहिए, आंख का पुष्प श्री विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए, सेमल का पुष्प श्री विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए, कुरैया का पुष्प श्री विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब धतूरा भगवान शंकर की चीजें कैसे चढ़ाएंगे, ऐसे ही सिरस इसका भी पुष्प भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आज दशावतार कथा जरूर सुनिए, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो इंटरनेट से लीजिए, लेकिन सुनिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए, साथ ही उनके इस मंत्र का दो माला यानी 216 बार जप करें, एक माला में 108 बार। मंत्र इस प्रकार है ओम केशवाय नमः। देखो आप जब पवित्रीकरण करते हैं तो आप कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, जो कहते हैं। मंत्र है ओम अपवित्र, ऐसा विचार है
कि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा, मैं अपवित्र हूँ या मैं पवित्र हूँ, मैं किसी भी अवस्था से होकर गुजरा हूँ, मैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो कमल नयन श्री विष्णु का ध्यान करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। फिर आप कहते हो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, तो केशव का एक विशेष स्थान है। श्री विष्णु के हर नाम का अलग अलग उद्देश्य से हर नाम लिया जाता है। देखो हमारे यहाँ हमारे वाङ्मय में हर चीज़ का अलग अलग महत्व है, हर नाम अलग पर्पस के लिए है। छोटी सी चीज़ है भंवरा। भंवरा जब उपवन में भ्रमर कर रहा है, गुनगुन इधर उधर घूम रहा है तो उसको भ्रमर कहते हैं। जब वो पुष्प के चारों तरफ गुनगुना रहा है, चारों तरफ घूम रहा है फूल के चारों तरफ, तो उसे गुंजार कहते हैं। और वही भंवरा जब फूल पर बैठकर उसका उसका पराग पीने मधु पीने लगता है तो उसे मधुप कहते हैं। और उसी भंवरे का जब हम बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो उसको हम षटपद कहते हैं। ऐसे ही विष्णु के नामों में भी, विष्णु के भगवान के सभी नामों या हमारे संस्कृत वाङ्मय में तो हर एक चीज़ एक मात्रा पाई भी सोच समझ कर लगाई गई। आज के दिन केशव का नाम लेने से आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। तरक्की मीन्स गोइंग अपवर्ड्स, यानी आप ऊपर जाएंगे, आपके जीवन का फ्लो ऊपर की तरफ हो जाएगा। केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा है तो आज एक एकाक्षी नारियल लेकर उसकी विधिवत पूजा करें, और पूजा करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को अपने दोस्त या रिश्तेदार को संभाल कर रखने के लिए दे दें। ऐसा करने से जल्द ही आपके दोस्त या रिश्तेदार को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। अगर आपका बच्चा कुछ दिनों से बीमार चल रहा है तो आज आपको तुलसी दल से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और पूजा के बाद 5 तुलसी के पत्ते लेकर अपने बच्चे को खाने के लिए देने चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निकल लेना चाहिए। तुलसी दलम भक्षयेत न चर्भयेत, तुलसी दल का भक्षण करना चाहिए। भक्षण का मतलब जैसे आपने कोई चीज ली हो, निगल लिया उसको, और चर्भण का मतलब है दांतों से चबाना, चबा कर खाना। तुलसी दलम भक्षयेत न चर्भयेत, भक्षण करना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए। क्यों? उसमें मरकरी होता है, पारा, आपके दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए तुलसी के पत्ते को, तुलसी दल को पानी के साथ निगल लेना चाहिए। साथ ही आज मंदिर में दाल का दान करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके बच्चे की सेहत जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में मजबूती लाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, साथ ही इस मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय। आज के दिन इस मंत्र का एक माला जप करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी। तो ये सारी जानकारी थी आज दशावतार व्रत के बारे में। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज के ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे।